गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली गाइस यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरपी ज्योग्राफी, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। नाउ ज्योग्राफी गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास मैप ज़रूर होना चाहिए। एक तो बिहार का मैप आपके पास होना चाहिए और दूसरी एक इंडिया का मैप होना चाहिए। मैप के बिना गाइस ज्योग्राफी हमेशा अधूरा है, तो प्लीज़ आप लोगों के पास मैप नहीं है तो आप लोग मार्केट से जाके मैप ज़रूर खरीदें। और यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे गैस बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो गैस पहला क्लास है वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली बिहार में कहाँ पे क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, एक एक करके जो जो बेसिक पॉइंट है हम सो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं गैस आगे की ओर। यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा इस मैप को समझें ऑलरेडी। ये गैस कुछ इंडिया का मैप है और यहाँ पर हम इन्हें दो पार्ट में अगर हम कवर करें तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी भाग और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं उत्तरी भाग। ठीक है, अब बिहार कहाँ पे है तो उत्तरी वाले भाग में स्थित है। उत्तरी मतलब नॉर्थ वाले पार्ट में बिहार स्थित है, और नॉर्थ वाले पार्ट में कहाँ पे तो गैस पूर्वी वाले भाग में। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता है इसे पश्चिमी भाग बोला जाता है और इसे पूर्वी वाले भाग में बोला जाता है। और कहाँ पे तो उत्तर और पूर्वी भाग में क्या है गैस बिहार है, और ये बिहार कट के यहाँ पे आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैस इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडिया के उत्तर और पूर्वी भाग में बिहार स्थित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। नाउ गैस यहाँ पर हम देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इस सारा का काम यहाँ पर आगे आने वाली है। तो यहाँ पे हम देखें कि बिहार का भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि हम अभी जस्ट ही देख लें, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, बिहार का भौगोलिक स्थिति बेसिकली इस तरह लिखा जाएगा और आपके ऑप्शन में होगा उत्तरी और पूर्वी, तो आप टिक लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें अक्षांश 24 डिग्री से ले गए 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तरी वाले भाग में है, और यहाँ पर 24 से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ, क्योंकि सारा हम यहाँ बिहार नॉर्थ में ही है, नॉर्थ और पूर्व, इस चीज़ को याद रखें। नॉर्थ और ईस्ट ये दो पॉइंट ही याद रखें, जो कि अक्षांश पूछे नॉर्थ और यहाँ पे पूछे देशांतर, तो ईस्ट। ठीक है, अब ना इसको इस पॉइंट को यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं गाइस, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 24 डिग्री लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25, यहाँ पे 25 है तो कहीं ना कहीं यहाँ 24 होगा, तो 24 से लेके यहाँ पे आप 27 डिग्री तक एक इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में बात ये पॉइंट याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सही से कर पाएँ। तो एटलीस्ट सारा नहीं, तो ये दो पॉइंट एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, जो कि अक्षांश से लेकर। और यहाँ पे मैं मेंशन इसलिए करा रखा हूँ, काफ़ी सारे बच्चा को है ना ये जो पॉइंट है ना, ये जीरो जो डिग्री लिखा है, मिनट और सेकेंड, ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर रखा हूँ। एन मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर हो जाता है, और ई मतलब क्या होता है गैस, यहाँ पर ईस्ट मतलब पूर्वी वाले भाग हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन करवा रखा हूँ। और देशांतर रेखा देखिए गैस, देशांतर जैसे कि ये वाला लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखा, जो कि 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री ईस्टर्न वाले भाग में स्थित है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाला लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 84 यहाँ पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं 83 होगा, 83 से लेकर कहाँ पे तो 88 तक हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 88। नाउ यहाँ पे यही बात यहाँ भी मेंशन है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं गैस यहाँ पे देशांतर, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ये जो लिखा है ना कक रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो ये सारा पार्ट को हम आगे देखने वाले हैं। हालांकि ये देशांतर और अक्षांशीय रेखा के समझने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इस इमेज को सेट किए हैं, और ज्योग्राफी बिल्कुल हम जो भी कुछ करेंगे एक इमेजिंग करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे देखे गए बिहार का जो क्षेत्रफल का बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में बेसिकली बिहार पूरा फैला हुआ है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपके ऑप्शन में होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो आप टिक लगा सकते हैं। और नौ आगे पॉइंट यहाँ पे पड़े, भारत का जो प्रतिशत है 2.86% क्षेत्रफल जो बिहार में बसा हुआ है, इसके कहने के मतलब है अगर ये पूरा भारत है तो इनका 2.86 जो प्रतिशत है उसमें बिहार बसा हुआ है, तो यही बात यहाँ पे मेंशन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है।
नो अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए गाइस, राज्यों का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है। काफ़ी सारा भारत में राज्य है और मैं बात करूँ यहाँ पे पूछा जाएगा कि राज्य में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया है बेसिकली बिहार का, तो गाइस बिहार से भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा एरिया है और बिहार से लगभग 11 राज्य का ज़्यादा है, 12वां स्थान पर बिहार है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और बिहार जनगणना 2021 जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर, और जनसंख्या के मामले में बात करें तो बिहार का जो स्थान है गाइस तीसरे स्थान पे, क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। नाउ आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितना है गाइस, 173 फीट है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। बिहार के उत्तर से लेके पश्चिम, अब यहाँ जो लिखा है ना उत्तर से लेके पश्चिम, ये पश्चिम नहीं होगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी एक्चुअली गाइस, इंसानी तो है, तो उत्तर से लेके दक्षिण हो जाएगा यहाँ पे। और इसका लंबाई कितना है, 345 किलो। यहाँ पे गाइस मेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐप थोड़ा सा देखते हैं और मैप के माध्यम से कोशिश करते हैं समझने का। हालांकि इनका दो पार्ट में वीडियो आएगा, एक पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और दूसरा पार्ट में भी जो है वहाँ भी हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा पार्ट है गाइस और काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पार्ट से। नौ यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है और गंगा रिवर और गंगा नदी, जैसे कि यहाँ पे मालूम है आप लोग को उत्तर वाली भाग को और यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण वाले पार्ट को, दो पार्ट में होती है। और हाल ही का गैस यहाँ पे हम बात करें इनकी जो ये जो लंबाई है ना, मैं बात करूँ ये पश्चिमी से लेके पूर्वी भाग की अगर लंबाई बात करें तो 463 किलो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बेसिकली। और ये वाला पार्ट है इनका लंबाई बेसिकली कम है, जो कि कितना है गैस यहाँ पे 345 है। तो इस पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है इस तरह कि उत्तरी से लेके दक्षिण तक के बिहार की लंबाई कितनी, तो आपके ऑप्शन में होगा 345, तो आप टिक लगा सकते हैं। और पूर्व से लेके पश्चिमी अगर पूछेगा कितना लंबाई है, तो आपके ऑप्शन में होगा 463 वर्ग किलोमीटर, तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन बॉर्डर किससे टच करता है, तो हम सारा एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। नौ यहाँ पे जो कुछ मेंशन था गाइस यहाँ पे बेसिकली, और ये वाले पार्ट को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, दक्षिणी हो जाएगा। नौ 12 दिसंबर को मैं बात करूँ, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार बेसिकली लगा था, जो कि हम हिस्ट्री में कवर भी किए थे और जॉर्ज पंचम बेसिकली दिल्ली दरबार में आए भी थे, क्योंकि 1905 में गाइस बंगाल विभाजन हुआ था और काफ़ी इंसान नाराज थे। ठीक है, तो काफ़ी इंसान ने बोला कि सर प्लीज़ दिल्ली जो बेसिकली जो बंगाल का विभाजन हो रहा है उसे मत कीजिए। तो 1911 जॉर्ज पंचम था उसे रद्द कर दिया गया और जो बंगाल से बेसिकली बिहार को एक अलग करके बिहार और उड़ीसा के रूप में एक संयुक्त राज्य बनाया था। ठीक है, और ये जो 22 मार्च 1912 को बेसिकली एक 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांतों का गठन किया गया और इसी दिन बिहार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इनके कहने का मतलब क्या है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार लगा था और वहाँ पे जॉर्ज पंचम आए थे, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उनको रद्द करके एक बिहार को अलग, ठीक है, बिहार उड़ीसा के एक अलग प्रांत बेसिकली बना दिया गया था। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं और ये कब बनाया था, तो 22 मार्च को बनाया गया था। ठीक है, तो इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था, पहले जो उड़ीसा था वो बिहार में ही था और 1936 में बेसिकली अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड से अलग हो गया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को आप जितना मैं रेडी किया हो ना, ये बात को आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए और टाइमिंग आपको याद, डेट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे हम देखें यहाँ पे बात करें जिला की बात करें गाइस, तो यहाँ पे 38 टोटल बिहार में जिला है और एक एक करके हम सारे 38 जिला में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हम सारे जिला को डीपली में डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी सारा वीडियो भी आने वाली है। और अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। और प्रखंड कितना है, तो 534 प्रखंड है। और परमंडल कितना है, तो परमंडल 9 है। हम आगे परमंडल वगैरह भी देखने वाले हैं, हाल ही का गाइस परमंडल से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, नौ आगे हम देखें गाइस
बिहार का अगर मैं सबसे बड़ा जिला का बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, जो कि कहाँ पे गाइस यहाँ पे है, ठीक है, जो सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन है, तो एक शिवहर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवहर है ना। आगे हम थोड़ा सा और भी इनका पार्ट का थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि बिहार का 38वां जिला कौन है, तो अरवल है। बेसिकली इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और बिहार जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि बिहार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा शेयर करती है, तो आपके ऑप्शन में होगा नेपाल, तो आप टिक लगा सकते हैं। बिहार तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, किस किस के साथ, तो पश्चिम बंगाल और यहाँ पे बात करें गाइस उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन तीन के साथ क्या होता है गाइस जो बिहार है अपना बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे मैं अगर आपको मैप दिखाएं तो मैप की थोड़ा सा और हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी जूमिंग करके और कोशिश करते हैं आपको समझाने के। यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या है, तो इस वाले पार्ट में नेपाल है आप लोग को मैं बताऊँ तो, और इस वाले पार्ट में क्या है यूपी है, और यहाँ पे क्या है झारखंड है, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा है कि ये कितना जिला यहाँ से टच करता है, कौन सा जिला टच करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से जिला टच करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो इस वाले पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं और पूछा भी जाता है यहाँ पे ना। हम आगे देखने यहाँ पे बेसिकली बिहार उत्तर के साथ जो बेसिकली कितने जिला टच करते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होना था सात, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जो बिहार है नेपाल के साथ कितने जिला टच करते हैं, तो आपके ऑप्शन होगा सात। हाल ही का ये सारा बात आगे भी मेंशन होगा, मतलब नीचे भी मेंशन होगा। अगर मैं बात करूँ यूपी, यूपी के साथ कितना टच करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी थोड़ा टच करता है रोहतास, तो टोटल 8। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे मैं यहाँ पे जो भी कुछ आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिणी में झारखंड है, 8 जिला के साथ टच करती है, और कहीं ना कहीं आपका यूपी के साथ भी है, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला टच साझा करती है। तो ये सारा बात आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। तो टोटल 8 जिला इनके साथ टच करती है, टोटल 7 जिला इनके साथ टच करता है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं गाइस, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। अगर यही मैं बात करूँ झारखंड के साथ कौन कौन से जिला टच करता है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं झारखंड के साथ एक रोहतास करता है, और एक औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, और यहाँ पे हम बात करें भागलपुर भी करती है और कटिहार भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिला बेसिकली यहाँ पे झारखंड के साथ शेयर करता है। तो ये सारा बात को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सिंपली वे में पूछ दिया जाता है ना। बाकी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो देखते हैं आगे और क्या क्या फैक्ट बात है, यहाँ पे एक एक करके सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिला साझा करती है, जो कि हम देख चुके हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नौ, बिहार पूर्व की ओर जो बेसिकली जो साझा करती है बंगाल के साथ, वो 3 जिला साझा करती है, कौन, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार। तो ये वाले पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। बिहार दक्षिण मतलब झारखंड के साथ 8 जिला साझा करती है, कौन कौन सा जिला, जो कि हम देख चुके हैं गाइस रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। तो इस वाले पार्ट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ, बिहार अगर मैं बात करूँ पश्चिमी उत्तर में बेसिकली 8 जिला के साथ साझा करती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, तो इन सारे के साथ साझा करती है। अब ये जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके बगल में मैप होना चाहिए, यहाँ पे ये मैप है ना, सारा मैप होगा तो ही आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो मैप रखें, फिर ये इस जो मैं आपको मेंशन किया हूँ इनका बेसिकली पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल हो जा रहा है, तो अगर आप पेड मेंबर, अच्छा मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन हुई प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और आपका फ़ायदा यहाँ पे क्या है कि आप 500 देते तो हम आपके साथ 1 साल तक होते हैं, और यहाँ पे जो भी गैस आप लोग का
चाहे करेंट पार्ट हो, इवन चाहे आपका अगर आप बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली गाइस मैं आप लोग के बीपीएससी के लिए ही हूँ बेसिकली, तो आप लोग प्लीज़ पेड ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिसमें आप लोग को एवरीडे 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा हर रोज़ आपको डेली 20 क्वेश्चन दिया जाता है और करेंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। नौ आगे हम यहाँ पे बात करें, बिहार के पूर्वोत्तर जिला कौन कौन सा है, तो किशनगंज है, और पश्चिमी जिला कहाँ पे है, तो कैमूर है। और यहाँ पे बात करने वाले गाइस बिहार के उत्तर में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण, और दक्षिण में कौन सा जिला है, तो गया है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, बिहार के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो आपके ऑप्शन होगा गया। बिहार के उत्तरी में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार के पश्चिमी में कौन सा जिला है, तो कैमूर है। और यहाँ पर बात करें पूर्वी में कौन है, तो यहाँ पर देख सकते गाइस किशनगंज है। तो बिहार बेसिकली 12 में 17 जिला ही हुआ करता था, और 1981 में बेसिकली 31 जिला हो गया था, मतलब जिला को कई, मतलब एक जिला को कई पार्ट में कवर करके 31 जिला हो गया। तो 1991 में 48 जिला हो गए थे, और 2000 में, सन 2000 में 55 जिला हो गया था। फिर 15 नवंबर 2021 को अगर मैं बात करूँ तो बिहार का कुछ पार्ट गए झारखंड में चला गया, मतलब अलग हो गया बिहार और झारखंड, जिसमें 45.85% झारखंड में चला गया, बाकी जो गए वो बिहार में बचा। तो फिर बिहार में टोटल कितना जिला बचा गया, 38, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। थोड़ा सा परमंडल देख लेते हैं, और परमंडल भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सारा मेंशन है, टोटल 9 परमंडल हम लोग देखे थे, और तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 परमंडल, 2 परमंडल, 3 परमंडल, 4 परमंडल, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए एक सिक्वेंस में। हालिका ये बात यहाँ भी मेंशन है, तिरहुत के अंदर कितना आता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यहाँ पे हम बात करते हैं तिरहुत, और तिरहुत के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरहुत के अंदर कौन कौन सा आता है यहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, तो ये और शिवहर भी आ जाती है। तो टोटल यहाँ पे आप कितने, 6 है। तो इस पार्ट को आप याद रख सकते हैं। और दरभंगा के अंदर कौन कौन से आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पे मैं बात करूँ मगध के अंदर कितना आ जाता है, यहाँ पे ये कलर है, तो मगध यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आ जाता है। तो एक एक करके यहाँ पे सारा मेंशन है, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, तो यहाँ पे सारा मेंशन है। ठीक है, सारण के अंदर आती है सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब कुछ यहाँ पे आपके मैप होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको समझने में जो मज़ा आएगा ना गाइस, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में ज्योग्राफी। नालंदा का बात करें, पटना में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, तो ये सारा है। मगध में बात करूँ औरंगजेब, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मगध के अंतर्गत सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा किस परमंडल के अंतर्गत आ जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा पटना, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। या पूछ देगा सीधा कि दरभंगा किस परमंडल के अंतर्गत आ जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा दरभंगा, तो आप सीधा टिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा जाता है, इसीलिए मैं वो तो जब आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो वहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को 5 तरीका से घुमा के पूछता हूँ। अक्सर क्वेश्चन कोशिश करूँ, क्योंकि एक साल आपके साथ होना है, तो क्वेश्चन को मैं बराबर रिविज़न वगैरह भी करवाता रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहीं पर होगा भागलपुर है, तो भागलपुर के अंतर्गत बांका, और यहाँ पे सबसे छोटा परमंडल का ऐसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो भागलपुर और बांका। क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाता है कि कौन सा परमंडल सबसे छोटा है, तो आपके ऑप्शन में होगा भागलपुर। ठीक है, बिल्कुल दो बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट ही, मतलब दो जिला ही इनके साथ साझा होती है। पूर्णिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्णिया के अंदर कौन कौन सा है, किशनगंज है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, कोसी के अंदर सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो ये टोटल 9 परमंडल जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पटना अगर मैं बात करूँ, पटना से सटे 9 जिला है, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और ये यहाँ से कैसे मैं जितना भी कुछ डिस्कस किया हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मैं जो भी डिस्कस किया हूँ सारा फैक्ट वाइज डिस्कस किया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक तैयारी आपका अच्छा हो, मैं एवरी
लिए आप लोगों T20 प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर से गाइस व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके मेरे टीम से आप बात करके पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा। बाय बाय।